हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7 मैथमेटिक्स की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो कि 13 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स रिकॉल सम पॉइंट। फर्स्ट इज पॉइंट। पॉइंट इज नो साइज, ओनली पोजिशन। यानी जो पॉइंट है उसका कोई साइज नहीं है, वो उसकी केवल जो क्या होती है, पोजिशन होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट। ओके, लाइन, इन केस ऑफ लाइन नो फिक्स मेजरमेंट, यानी लाइन की कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है लाइन में, कि हम इसमें एक्सटेंडेड पॉइंट्स जो है वो फिक्स रहते हैं, लाइक दैट केस। तो इनको हम क्या है कि जो ये पॉइंट फिक्स नहीं है, तो लाइन को हम आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स और ए स्मॉल लेटर, फॉर एग्जांपल एक्स वाई और एम। तो बच्चों देखिए कि हम हमारे पास अगर कोई लाइन है, तो इसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से जो है दिखा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हम इस लाइन को एक्सटेंड जो है दोनों डायरेक्शंस में कर सकते हैं, या हम इसको एक स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट। यानी एक ऐसी लाइन जिसके टू एंड पॉइंट होंगे, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये एक लाइन का एक कोई भी एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका एक पार्ट है। इस पार्ट को अगर हमने यहाँ पे काट दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा जिसके दो एंड पॉइंट होंगे। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑल्सो बाई टू कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी। तो देखिए, ए एंड बी अगर कोई भी एक जो है सेगमेंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें हम एरो के निशान नहीं लगाएंगे, सिंपल जो है लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट देखिए, रे। रे क्या होती है, रे इज अ पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडेड इनफिनिटली। ठीक है, तो इनफाइनाइट जो है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक रे है। तो रे का मतलब क्या है बच्चों, देखिए एक तो हो गया फिक्स पॉइंट और एक जो है एरो लग गई। सभी बच्चे जानते हैं ना कि हम रे को इस तरह से दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट को तो हम एक्सटेंड आगे फर्दर कर सकते हैं, बट इस पॉइंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई टू कैपिटल लेटर्स लाइक ए एंड बी। तो हम जो है क्या करेंगे, फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट जो है, हमें जो भी इनिशियल पॉइंट है हमारा, पहले ये वाला है, तो हम इसको करेंगे ए बी और इसके ऊपर इस तरह से हम एरो लगा के दिखा देंगे, रे लगा के इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। तो बच्चों अगर एक पॉइंट है, तो इससे कितनी रेज जो है वो पास हो सकती हैं। तो बच्चों बहुत सारी रे जो है इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं सो मैनी रेज वी कैन पास फ्रॉम हेयर, सो मैनी रेज। आप आंसर लिख देंगे बेटा, सो मैनी रेज कैन बी पास्ड। ओके, सो मैनी रेज कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट। नेक्स्ट इज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट एंगल। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। अब देखिए, कोई भी जब एंगल बनेगा, तो उसके लिए टू रेज हमें चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर द आर्म्स। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे। सो एन एंगल इज अ फिगर, ये आप एंगल देख रहे हैं बेटा, टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये है ना जहाँ पे टू रेज मिल रही हैं। अब यहाँ पे मिल रही है ना ये टू रेज, तो ये क्या होगा, दिस इज द मेन पॉइंट, आप कह सकते हो इनिशियल पॉइंट है, एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। क्या कहेंगे उसको हम, वर्टेक्स। एंड एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। सभी बच्चे जानते हैं एंगल जो है कैसे मापा जाता है, डिग्री, लाइक 90 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ओ। अब देखिए बेटा, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ना, तो इसी को, यही मेन एंगल है हमारा। ठीक है, यही क्या है, हमारा एंगल है, और इसको हम या तो एंगल ओ के नाम से दिखा सकते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पी ओ क्यू लिख सकते हैं, या इसको हम क्यू ओ पी लिख सकते हैं। अब आपने नोट किया कि हमने सेंटर में किसको रखा, हमने सेंटर में ओ को ही रखा। ऐसा नहीं है कि आप क्यू को सेंटर में रख दें या पी को सेंटर में रख दें, वो गलत हो जाएगा। तो ओ को आप सेंटर में रखेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जो है वर्टेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए,
कैन ए स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? तो क्या एक स्ट्रेट लाइन जो है बच्चों, क्या वो एंगल हो सकती है? मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये एंगल हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे नो। जब टू रेज जो आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी तभी जो है क्या बनेगा, एक एंगल जो है वो बनता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? वेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। वेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कोई भी जो है टू एंगल अगर हमारे पास हैं और उनका सम, मान लीजिए एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 20 डिग्री है, तो इनका सम कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर एंगल है तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर 90 डिग्री से कम एंगल जो होते हैं, जैसे 70 डिग्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। और अगर 90 से ज़्यादा होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 120, तो ये क्या होगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180। अगर दो एंगल जो है, मान लीजिए एक वन जो है, आप मान लीजिए 140 है, ठीक है, और दूसरा एंगल जो है वो 40 डिग्री है, तो दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा? दैट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एंगल्स बिसाइड ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ सटे हुए एंगल, वो क्या कहलाते हैं? वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल। ओके, तो यानी एक एंगल जो है, मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू द एंगल, तो यानी एक दूसरे से सटे हुए एंगल जो है वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। इसके अंदर देखिए, जब आप एडजेसेंट एंगल जो है बनाते हैं, तो ये देखिए ये एक कॉमन आर्म होगी आपकी। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या पॉइंट होगा बेटे? अगर मैं इसको आर नाम देती हूँ तो ये एक कॉमन आर्म हो गई आपकी, कॉमन। ओके, और ये जो है ये नॉन कॉमन, ओ ए अलग है और ओ बी अलग है, लेकिन इन दोनों से जो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये क्या हो गई? ये कॉमन आर्म हो गई, ओ आर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आर्म क्या है? यहाँ पे ये ओ आर कॉमन आर्म है। कॉमन वर्टेक्स क्या है बेटा? यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ये ओ पॉइंट है, और ओ पी और ओ क्यू जो है ये वाली, और ये वाली जो है नॉन कॉमन आर्म है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एंगल देखें, तो देखिए पी ओ और क्यू, पी ओ और आर, ठीक है ये, और एंगल आर ओ क्यू, ये क्या है बच्चों? ये दोनों जो हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब है? ए लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी लीनियर पेयर क्या है? एक पेयर है, यानी इस तरह का एक पेयर हो गया। पेयर यानी दो एंगल होंगे उसके अंदर एडजेसेंट एंगल, एक दूसरे के साथ सटे हुए एंगल भी हैं। हुज नॉन कॉमन आर आर अपोजिट आर्म, यानी इसकी देखिए, इसकी जो है, इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, इसमें देखिए नॉन कॉमन आर्म जो थी, एक ये वाली है, एक ये वाली है, इसके अंदर क्या होगा? जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक ये वाली एक ये वाली, बस इतना ही डिफरेंस है लीनियर पेयर में और एडजेसेंट एंगल में। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में एक दूसरे के जो है अपोजिट नहीं होंगे नॉन कॉमन आर्म, और जो लीनियर पेयर होगा उसमें एक दूसरे के कैसे होंगी? वो जो है अपोजिट होंगी। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल्स एंड डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर च्वाइस। अब देखिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें आपको ये एंगल गिवन है, तो ये देखिए आप इसको मैं नाम दे रही हूँ ए ओ पी, तो इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए ओ पी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एंगल जो है कैसा होगा? 50 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल एक्यूट एंगल हो जाएगा। कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। अब देखिए ये 130 है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ए ओ बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए ओ तो बीच में ही आएगा ना बेटा, ओ ओ जो है ये कॉमन है, तो ए ओ बी, तो ये एंगल कैसा है? ये एंगल जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए बी, ये पॉइंट हमारा बी सी डी, ठीक है ए बी सी डी, तो इसमें जब हम इसमें नाम इसका लिखेंगे तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
और ये एंगल कैसा है, ये लीनियर पेयर है। पहले आप इसका नाम लिख लीजिए, कैसा है ये, लीनियर पेयर, क्योंकि इसमें दोनों जो नॉन आर्म हैं वो कैसे ही हैं, जो कॉमन आर्म नहीं है वो कैसे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है। तो नाम लिखिए लीनियर पेयर। एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नाम लिख लिया होगा ना बेटे, अब आप एंगल को रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी या डी, जो भी आपने नाम दिया है वो भी आप लिख सकते हो। तो इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ए डी बी और एंगल सी डी ए, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप और भी इसके तरीके हैं, ए डी सी भी लिख सकते हो, लेकिन डी जो है वो बीच में ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इस एंगल को करेंगे हम, अब इसमें देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी, तो ये भी कैसे एंगल है बच्चों, इसका नाम लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल। अभी हमने ऊपर किया, एडजेसेंट एंगल है ये, कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आप देखिए अब इसमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो एंगल हैं इसमें ए बी डी, दूसरा करेंगे डी बी सी, ए बी डी डी बी सी, तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ये वाला करेंगे हम, ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं ए बी सी डी, तो इसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल, और आप लिखेंगे ए बी डी और डी बी सी, ये लिखेंगे आप आंसर। नेक्स्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, इज एंगल वन और एंगल टू, दे आर इन फिगर, गिवन इन फिगर दे आर एडजेसेंट और नॉट, इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू इन द फिगर, तो एंगल वन और एंगल टू क्या एडजेसेंट हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, गिव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नो, गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट, तो बच्चों देखिए आपको थ्री एग्जाम्पल देने हैं इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले क्या दे सकते हैं, देखिए डोर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे आप जब हम डोर खोलते और बंद करते हैं तो क्या होता है, वो एक एंगल के साथ जो है खुलता है और बंद होता है। इसी तरह आप बुक का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो देखिए जब आप बुक जो है खोलते हो तो वो अगर आपने एक पार्ट को बिल्कुल सीधा खड़ा किया हुआ है और एक जो है बिल्कुल ऐसे है एक हिस्सा, तो ये भी एक एंगल बनाता है। इसके अलावा आप जो है अपनी फिंगर से भी जो एंगल है वो बना सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर बना सकते हो, ऑब्ट्यूज बना सकते हो, तो सारे एंगल आप अपनी फिंगर से भी बना सकते हो, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल अगर आप जो है लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आप लैपटॉप से स्टडी करते हो ना बेटा, तो लैपटॉप जो है उसमें भी एंगल बनता है, ठीक है, आप लैपटॉप को खोलते हो, उसको बंद करते हो, कभी बिल्कुल एकदम वो परपेंडिकुलर हो जाता है, आगे लेकर आते हो तो एक्यूट एंगल बन जाएगा, पीछे ज़्यादा लेकर जाओगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, तो लैपटॉप भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।